हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेकंड ईयर में सेकंड पेपर है, मैं सेकंड लास्ट चैप्टर जो है वो है मेथड ऑफ मेरिट रेटिंग। इसी डेफिनेशंस ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको इसकी विधियाँ क्या क्या होती है, मेथड क्या क्या होते हैं, ये बताने जा रहा हूँ। योग्यता आकलन अर्थात मेरिट रेटिंग, ये जो मेथड है, वैसे तो बहुत सारे मेथड है, ये मैंने यहाँ इम्पोर्टेंट 8 मेथड दिए हैं। सबसे पहला मेथड आता है श्रेणी विधि। नाम से स्पष्ट है कि इसमें श्रेणी बनाई जाएगी, अर्थात एक एम्प्लॉय की अन्य एम्प्लॉय से तुलना की जाएगी। सबसे पहले यानी कि आप किस एम्प्लॉय की मेरिट रेटिंग करना चाहते हैं उसके आधार पर एक एम्प्लॉय की अन्य एम्प्लॉय से तुलना की जाएगी। सेकंड बात कि दो क्लासिफिकेशन किए हैं यहाँ पर, एफिशिएंट अर्थात कुशल और अनएफिशिएंट जो कुशल ना हो। एफिशिएंट तो साइड है और जो एफिशिएंट नहीं है उनको हम साइड कर देंगे। तीसरी बात कि व्यक्ति की योग्यताओं के आधार पर इसका डिटर्मिनेशन किया जाएगा, निर्धारण किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस एम्प्लॉय का आपको मेरिट रेटिंग करनी है उसकी अन्य कर्मचारियों से तुलना की जाएगी, दो पार्ट बनाई जाएगी, एक एफिशिएंट और दूसरा जो एफिशिएंट ना हो। उसके बाद उसकी योग्यताओं के आधार पर निर्धारण किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, देखने से पता चल भी रहा है कि ये साइंटिफिक नहीं है, वैज्ञानिकता का अभाव है इस विधि में। तो सेकंड विधि आ गई, उसका नाम है मनुष्य की मनुष्य दर तुलना विधि। यानी कि एक मनुष्य की दूसरे मनुष्य से तुलना करनी है और मेरिट रेटिंग का पता करना है। तो इसमें कैसा होगा, सबसे पहले पैमाना इसका मेन आधार होगा, पैमाना इसका मेन बेस है और पैमाना जो है वो है कार्य निष्पादन से संबंधित। कार्य निष्पादन को हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ लेवल बनाए होंगे, वो लेवल कितने, 5 लेवल बनाए जाएंगे। यानी कि मनुष्य की मनुष्य से तुलना की जाएगी, इसके लिए पैमाना बनाया जाएगा और पैमाने के लिए कार्य निष्पादन के स्तर बनाए जाएंगे, लेवल, वो लेवल कितने, 5। कौन कौन से हैं, सबसे योग्य, बहुत ज्यादा, औसत, एवरेज, योग्य, तीसरा एवरेज से अधिक और चौथा एवरेज से भी कम और 5 ओनली एवरेज। ये आपने यहाँ पे कैटेगरी बनाई है, सबसे योग्य, सबसे खराब, औसत, औसत से अधिक, औसत से कम। जिस कर्मचारी की योग्यता का आपको मेरिट रेटिंग करनी है उनकी 5 स्तर से तुलना की जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि एक मनुष्य की दूसरे मनुष्य से तुलना करने के लिए एक पैमाना बनाया है, वो पैमाना कार्य निष्पादन से संबंधित है जिसमें 5 लेवल होते हैं, औसत, औसत से अधिक, औसत से कम, सबसे अच्छा, सबसे खराब, ये 5 हो गया। उसके बाद उनकी जो तुलना है, जिस कर्मचारी की योग्यता को मापना है उसकी इनसे तुलना की जाएगी। तो ये विधि भी ठीक है, समझ में लायक है। तीसरी विधि आती पॉइंट, पॉइंट मेथड। इसमें क्या होता है, काम के लिए अपॉइंट किए गए कर्मचारियों की योग्यता तत्वों के लिए विभिन्न स्तर के आधार पर पॉइंट देते हैं। यानी कि एक एम्प्लॉय में जिसने आपने अपॉइंट किया है उसकी जैसी योग्यता है, योग्यता के आधार पर उसको पॉइंट दिए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, पॉइंटों के आधार पर एक टेबल बनाई जाती है। यानी जो एम्प्लॉय आपके पास जॉब के लिए आया है उसकी योग्यता के आधार पर हम कुछ स्तर बनाते हैं, कुछ पॉइंट तय करते हैं, उन पॉइंटों की टेबल बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, अर्जित
जो भी पॉइंट है उनका टोटल करते हैं, और टोटल करने के बाद उसकी एफिशिएंसी को मेजर करते हैं, माप लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, कि जो भी एम्प्लॉय अपना जॉब के लिए आया है उसकी योग्यता क्या है उसके पॉइंट निर्धारित कर दो, उनका टोटल कर दो, और टोटल करने के बाद उसकी एफिशिएंसी को टेबल बनाती है मेजर करते हैं। और लास्ट चौथा जो मेथड है वो आता है सोपान चेक। इस विधि में क्या होता है, कर्मचारी की योग्यता को सर्वश्रेष्ठ से न्यूनतम सीक्वेंस यानी सबसे अच्छा सबसे खराब एक सीक्वेंस बना रहे हैं, तो कर्मचारी की योग्यता के आधार पर सर्वश्रेष्ठ से न्यूनतम की सीक्वेंस बनाई जाती है, उसके बाद श्रेणियां बनाई जाएगी, और फिर क्या होगा कि बहुत अच्छा बहुत खराब सबसे अच्छा यह आपको क्या बोलेगी सीक्वेंस, इससे बता पाएंगे कि ये एम्प्लॉय सबसे योग्य है ये एम्प्लॉय सबसे कम योग्य है। ये तो सिंपल सा मेथड है, कुछ भी नहीं है, बस एक चेन बनानी है एक सीक्वेंस बनानी है कि सबसे ऊपर सबसे अच्छा सबसे ऊपर टॉप लेवल पर सबसे खराब नीचे ऊपर से नीचे एक चेन बन जाएगी। तो ये चार मेथड मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, बाकी मेथड नेक्स्ट वीडियो में आपको इस वीडियो में ये चार मेथड आप अच्छे से समझ लेना कि श्रेणी विधि क्या होती है, मनुष्य दर मनुष्य विधि क्या होती है, पॉइंट मेथड क्या होते हैं, और ग्रेड सोपान विधि क्या होती है। नाम से स्पष्ट है इस विधि में विजन्यता का अभाव है, एफिशिएंट और जो एफिशिएंट नहीं है उसको बांटा जाता है। इस विधि में मनुष्य की मनुष्य तुलना की जाती है, इसके लिए पैमाने बनाए जाते हैं, पैमाने पांच प्रकार के लेवल होते हैं उनकी तुलना की जाती है। और मेथड में हम तो जो भी कर्मचारी है उनकी योग्यता के आधार पर पॉइंट निर्धारित करते हैं, उन्हें पॉइंट देते हैं, और पॉइंट देने के बाद उसकी एफिशिएंसी को मेजर करते हैं जो भी एफिशिएंसी। और सोपान विधि में सबसे अच्छा सबसे कम सीक्वेंस बनाई जाती है उन्हें वहाँ पर पॉइंट दिए जाते हैं। तो ये आपके चार उसमें मेथड होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो आपके मेथड है इसके बारे में बात करेंगे।